हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत मिश्रा एंड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत मिश्रा दी राजटेक में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बिना आरटीओ ऑफिस जाए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं। हां दोस्तों, तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ता है, उसके बाद एक महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिएगा मैं बताऊँगा कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है परिवहन। हाँ दोस्तों, परिवहन.com या फिर परिवहन आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों ड्राइवर या लर्नर लाइसेंस इस पर क्लिक करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे। के बाद दोस्तों अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये हमसे बोल रहा है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इशू इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका पहले तो लाइसेंस बना है या नहीं बना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट बाई आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन एवं सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इस पर अगर आप सबमिट बाई आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको आरटीओ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। एंड सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा विजिट करने के लिए, आपको अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सबमिट बाई आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अपना जो भी कस्टमर का आधार कार्ड होगा उस आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड दोस्तों ओटीपी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये सारी डिटेल आपकी आपके आधार से फेच कर लेगा। आफ्टर दिस फ्रेंड्स, आपको ये दिखा सकते हैं, आपको सारा कुछ आपका मेंशन होकर आ गया है। इसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना होगा, आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों ये पिन कोड योर आधार बिलोंग टू बदायूं टू आरटीओ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, लैंडलाइन नंबर अगर आपके आप पास है तो यहाँ पे डालेंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक ही रहने देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर ऑल्टरनेट नंबर आपके पास है तो अल्टरनेट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, दोस्तों अगर आपके बॉडी पर कोई भी मार्क है, तिल वगैरह है या फिर कहीं पे क्रॉस का साइन है या फिर कुछ है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर है तो इसे डालेंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक रहने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे या प्रेजेंट एड्रेस, आप जब से कब से यहाँ पे रह रहे हैं उसका यहाँ पे दोस्तों ईयर एंड मंथ डालेंगे। तो चलिएगा मैं यह सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों आप अपना यहाँ पे जो भी लाइसेंस बनाना चाहेंगे, सपोज करिएगा आप मोटर या फिर टू व्हीलर का बनाएंगे तो यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे और इसे ऊपर वाले टैब पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों इस बॉक्स में आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप फोर व्हीलर का भी बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मोटरसाइकिल विदाउट गियर या फिर लाइट मोटर व्हीकल, इस पर क्लिक करेंगे LMV और यहाँ पर दोस्तों इसे कंसेंट दे देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट या मेरे से बोल रहा है आई हैव बीन कॉन्वेक्टेड डिस्क्वालीफाई माई लाइसेंस बाज कंसल्ट सप्लीमेंट्री लाइसेंस बाज रिवोक्ट प्लीज टिक इफ इज इफ दिस एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम। तो दोस्तों अगर आपने कहीं पर भी ट्रेनिंग वगैरह ली है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक रहने देंगे। दोस्तों इसके बाद दोस्तों फुल फिलअप इसे डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे फिल कर देंगे। यहाँ से बोल रहा है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गेन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ। अगर आपको दोस्तों डेथ वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में आप अपने जो भी ऑर्गेन्स हैं उन्हें डोनेट कर सकते हैं किसी के लिए। तो अगर आप यस करना चाहेंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसे नो रहने देंगे।
इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स सबमिट पे क्लिक करेंगे, यू इंटर मोबाइल नंबर दोस्तों जिस मोबाइल वो कम्युनिकेशन इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स ये हमसे बोलेगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इट इज़ फाउंड एट लेटर स्टेज दैट यू ऑलरेडी हैव ए वैलिड लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस यू एप्लीकेशन सेल बी रिजेक्टेड एंड बिगन। दोस्तों ये हमसे बोल रहा है अगर आपने पहले से बना रखा है तो रिजेक्ट वगैरह कंडीशन में हो सकता है, तो करेंगे आई इशू सबमिट डिटेल। दोस्तों हमसे बोल रहा है डिटेल को एक बार चेक करने के बाद आपने सबमिट कराया तो वो सही है या नहीं। दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स ओके पर क्लिक करने के बाद ही हमसे बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड सक्सेसफुली एंड काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्पैच डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन फ्यूचर रेफरेंस यू वुड ऑल्सो रिसीव इन द रेफरेंस नंबर थ्रू SMS ऑन योर मोबाइल। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके का रिसीप्ट आ जाएगी हमारे पास, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं अन्यथा इसका जो एप्लीकेशन नंबर होगा दोस्तों यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और इसे PDF में दोस्तों सेव कर लेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जो एप्लीकेशन नंबर होगा यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होके प्री मेंशन होके आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अपनी डिटेल एप्लीकेशन नंबर नेम राम बाबू ये सारा कुछ चेक करेंगे। और फ्रेंड्स ये हमसे बोल रहा है अब हमारा फिल एप्लीकेशन डिटेल दोस्तों पहला जो कंप्लीट हो चुका है एंड दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अभी हमसे सारा को डिटेल मेंशन करने के बाद अब हमें डॉक्यूमेंट प्रूफ में दोस्तों एज प्रूफ में हमें एज प्रूफ पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट प्रूफ पर दोस्तों हमें यहाँ पे वोटर आईडी फोटो आईडी कार्ड इशू आधार कार्ड, तो हमें यहाँ पे आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी डिटेल सारी मेंशन होकर आ चुकी है। अब दोस्तों आपका थर्ड स्टेज का अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाला एप्लीकेशन दोस्तों खुल चुका है यहाँ पे, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो सिग्नेचर होगा फ्रेंड्स इसके नीचे दिखाई देगा एंड जो फोटो होगा दोस्तों प्री अपलोड हो जाएगा आपके आधार कार्ड से ही यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली सिग्नेचर ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिग्नेचर पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। कस्टमर के जहाँ पे भी दोस्तों सिग्नेचर होंगे उसमें सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फ्रेंड हमसे बोल रहा है इमेज साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 KB, यानी कि 20 KB से जो भी सिग्नेचर का साइज होगा वो दोस्तों यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो 20 KB से नीचे बनाने के लिए हमें इस साइज का 444 रहनी पड़ेगी, 444 बिथ रखनी होगी एंड 213 हाइट होगी। ओके पे क्लिक करेंगे।
एंड जैसे आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपके जो सिग्नेचर होंगे वो आपके फोटो के नीचे आ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इन फाइल पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे एंड चीज देख सकते हैं आप यहाँ पे सारा प्रोसीड सक्सेसफुल अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आफ्टर दैट दोस्तों अब आपका जो फी पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इसमें दोस्तों आप जिसके माध्यम से भी पेमेंट चाहे कर सकते हैं। आपका SBI डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, इसके थ्रू दोस्तों आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके पेमेंट गेटवे पर। और फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे देख सकते हैं इशू LL यानी कि जो लर्नर लाइसेंस का होगा टू व्हीलर वाला, इस पर ₹150 की आपकी फ़ी लगेगी। एंड लाइट मोटर व्हीकल वाला दोस्तों जो लाइट का बनेगा उसमें भी आपको ₹150 की फ़ी लगेगी। एंड दोस्तों LL टेस्ट जो आपका टेस्ट होगा उसकी दोस्तों ₹50 यहाँ पे फीस लगेगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना बैंक गेट पे यहाँ पे चुन लेना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंटर टैक्स यहाँ पे जो भी दिया होगा इसको सेम इसी तरीके से मेंशन करना होगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए इसे हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको आपके अपने डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग पर दोस्तों यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप SBI नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहेंगे, स्टेट बैंक या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंक। दोस्तों स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे। प्रिंट रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आपको कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पे मेंशन करना होगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे बोल रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस। तो दोस्तों इस अगर आप बाई आधार ऑथेंटिकेशन के आप लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे तो इसमें RTO ऑफिस जाने की आपको दोस्तों कोई भी आवश्यकता या फिर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस माध्यम से आप अपना लर्निंग लाइसेंस बहुत ही आसानी तरीके से फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों बने रहेगा हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने भाई रजत मिश्र को दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद जय भारत।